गेट का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से अपना दर्द लेकर आज पूरे नगर में ये रैली निकाली है और पूरा मानव श्रृंखला जो है वो बना रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से पूरा आप देखिए कि किस प्रकार से देखिए मोदी सरकार हाय हाय के नारे यहाँ दिल्ली गेट पर गूंज रहे हैं और ये 450 स्थानों पर एक साथ ये पूरा जो है गूंज रहे हैं। और कैसे पुलिस देखो यहाँ के लिए रवाना करो, ये कोई तरीका अपना दर्द भी अब इंसान नहीं ले सकता, बता नहीं सकता, ये हालत हो गई है। किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई को जो है ठगा गया है और अब ये किस प्रकार से इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि जनता को ही मरना पड़ा है। जिसको चुनकर भेजते हैं वो साथ देता नहीं, जो साथ देता है वो आता नहीं, जो लूटता है वो दिखता नहीं। इस देश में पता नहीं ये कैसी नीतियाँ और रणनीतियाँ बन रही हैं। सब नेता उसे सीख रहे हैं, चाहे वो दलाल हो, बिचौले हो, सारे सीख रहे हैं और इसी प्रकार से इस देश को खोखला किए जा रहे हैं। आज लोग बर्बाद हो गए, आज लोगों की हालत ख़राब हो गई है, लाखों करोड़ों रुपए जमा है और लाखों करोड़ों बचाने के लिए और इनको पैसा लगाना पड़ा रहा है। क्या ये देश का दुर्भाग्य है? अपने ही देश के अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई तो बात रही होगी कि ये लोग वही हैं जो आपके झंडे उठाते हैं डंडे उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके वोट देते हैं, यही लोग हैं जो आपको सत्ता में पहुंचाते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही बैठे हुए हैं और आज इनके दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। आज इनका दर्द जो है कोई सुन नहीं रहा है। आज देखिए किस प्रकार से ये परेशान होकर आज गिरफ्तारियाँ जो देंगे और गाड़ियाँ दो खड़ी हुई है और देखते हैं कितने आज कितने लोग गिरफ्तार होंगे वो भी हम देखेंगे। तो गिरफ्तारियां होने वाली है और गिरफ्तारियों का दृश्य भी हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में कि किस प्रकार से एक साथ सारी गिरफ्तारियां होगी। क्या हाल है? कुछ ही देर में गिरफ्तारियां देंगे, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अपनी सब गिरफ्तारियां देंगे। तो पुलिस भी बेताग है कब इनको गिरफ्तार करें, कब अपना सपना जो है इनका पूरा करें। पुलिस भी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर तैयार है। देखने वाली ये बात है कि हम देखेंगे कि वो दृश्य जब इन सबको गिरफ्तार के लिए बस आ चुकी है, सामने खड़ी है, एक बस में तो ये शायद आएंगे नहीं,
एक बस में तो नहीं आएंगे, वो है ना तीन खड़ी है, तीन बसें खड़ी है, लो बोलो तीन बसों में गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस यहाँ मुस्तैद है, कब गिरफ्तार करे। तो देखिए हमारे सभी क्रांतिकारी वीरों को जो कि इस देश के 42 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की कमाई जो सरकार निकल गई है उसको दिलाने के लिए वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो गिरफ्तारियां जो है इनकी होगी। Thank you.